ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वाली कंपनी जोमैटो अब एक नए विवाद में फंसती नजर आ रही है। दरअसल कंपनी का यह अंदरूनी मामला है जिसके लिए जोमैटो के डिलीवरी स्टाफ हड़ताल पर है। उनका आरोप है कि उनसे बीफ डिलीवर कराया जा रहा है, इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ये मामला पश्चिम बंगाल का है। मिली जानकारी के अनुसार सूबे के हावड़ा में जोमैटो फूड डिलीवरी स्टाफ गोमांस और पोर्क देने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनका कहना है कि कंपनी हमारी मांगों को नहीं सुन रही है और हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध गोमांस और पोर्क देने के लिए मजबूर कर रही है। हम पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं। मामला सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री राजीव बनर्जी का कहना है कि कंपनी को किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, यह गलत है। अब जब मुझे इस संबंध में जानकारी मिली है तो मैं इस मामले को देखूंगा। आपको बता दें कि जोमैटो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। दरअसल जोमैटो के डिलीवरी बॉय के धर्म के कारण जबलपुर के निवासी अमित शुक्ल ने ऑर्डर रद्द कर दिया था। इसके बाद उसके खिलाफ जबलपुर में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जोमैटो के ग्राहक अमित शुक्ल को इस मामले में नोटिस जारी कर लिखित शपथ पत्र देने को कहा था कि वह भविष्य में धार्मिक नफरत का प्रसार नहीं करेगा।